नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका में हुए किशोरी हत्याकांड मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि राज्य में कानून का राज नहीं है। क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कुछ सुनवाई की, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने दुमका की किशोरी हत्याकांड मामले में स्वतः संज्ञान लिया और अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य में कानून का राज नहीं रह गया है और अपराधियों में प्रशासन और कानून का थोड़ा भी डर नहीं है। अदालत ने कहा है कि यह जघन्य अपराध है, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी कई सवाल खड़े कर रही है। साथ ही अदालत ने डीएसपी के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें किशोरी हत्याकांड के अभियुक्त को मानसिक रोगी बताया गया था। बता दें कि डीएसपी ने एक साक्षात्कार में अभियुक्त को मानसिक रोगी बताया था। वहीं कोर्ट ने डीजीपी से पीड़िता के स्वजनों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है, साथ ही पीड़िता के इलाज से संबंधित भी सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूरी रिपोर्ट अगले सप्ताह पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं इस मामले पर डीजीपी ने कहा है कि मुख्य आरोपित सहित अन्य को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल जांच जारी है। वहीं अदालत ने कहा है इस मामले में पुलिस अनुसंधान की कोर्ट निगरानी करेगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि इस मामले में लापरवाही बरती गई है और सरकार ने भी पीड़िता के त्वरित और बेहतर इलाज का प्रयास नहीं किया और पीड़िता की हालात जब गंभीर थी तो उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी थी और जरूरत पड़ने पर उसे उच्च अस्पताल भी भेजा जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। वहीं अदालत ने सरकार को अगली तिथि को इस मामले में पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि दुमका की छात्रा को 24 अगस्त को एक तरफा प्यार में शाहरुख नामक एक युवक ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी और पेट्रोल से जलने के बाद अंकिता को दुमका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल भेज दिया और रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता की 28 अगस्त को मौत हो गई थी। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।